वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पीवी सिंधु लगातार खबरों में है। उनकी इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 27 अगस्त को दिल्ली में सिंधु से मुलाकात की। मोदी ने इस दौरान सिंधु को मेडल पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिंधु भारत का गौरव है, एक चैंपियन है जो घर में एक स्वर्ण पदक और बेशुमार सम्मान लेकर आई है। पीवी सिंधु से मिलकर खुशी हुई, उन्हें बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद। हालांकि जब पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया तो उसी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम ने उनके ट्वीट पर जवाब लिखा। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, हम सभी 12 पैरा मेडलिस्ट जिन्होंने मेडल जीते हैं आपसे मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है हमें मिलने की अनुमति दें। एशियाई खेलों के वक्त हमें आपसे मिलने का मौका नहीं मिल सका था। सुकांत का ये ट्वीट जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी 12 पैरा मेडलिस्ट से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्हें इनामी राशि के रूप में कुल 1.82 करोड़ रुपए बांटे गए। इसमें गोल्ड मेडल के लिए 20 लाख, सिल्वर मेडल के लिए 14 लाख और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 8 लाख की राशि शामिल रही। किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के लिए मेडल जीतने के बाद ये सभी खिलाड़ी काफी खुश हैं। मुझे इन सभी पैरा मेडलिस्ट पर गर्व है जिन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 12 मेडल जीतने में सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी पैरा मेडलिस्ट की तारीफ करते हुए ट्वीट लिखा कि 130 करोड़ भारतवासियों को इनकी सफलता पर गर्व है। मैं सभी को बधाई देता हूं और इनकी सफलता काफी प्रेरणादायक है। इनमें से हर खिलाड़ी का प्रदर्शन अद्भुत रहा है। हालांकि पीएम मोदी के ट्वीट और किरण रिजिजू से मुलाकात के बावजूद सुकांत कदम की एक इच्छा अधूरी रह गई है। उन्होंने एक बार फिर ट्वीट करते हुए लिखा कि वो पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने खेल मंत्रालय से जुड़े विभिन्न अधिकारियों की भी मदद मांगी है। अब देखना होगा कि सुकांत कदम की इच्छा पीएम मोदी कब पूरी करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।